हेलो दोस्तों, आज जेबी का प्रेजेंटेशन प्रैक्टिसेस का ऑफ बैंकिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 है, वो देखते हैं। और यहाँ पे एक मेगा ऑफर है, 80% डिस्काउंट है जेबी का कोर्सेज करने पे, जो कि स्टार्ट होता है मात्र 600 रुपये से। पहला सवाल देखिए, पूछता है केवाईसी गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाई आरबीआई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो केवाईसी गाइडलाइंस जो होता है आरबीआई के द्वारा जो इशू किया गया, कौन से फॉलोइंग चीज़ों की वजह से किया गया। ये ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31 ए एफ आर बी एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35 ए एफ आर बी एक्ट, सी डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में। देखिए क्या सवाल था, केवाईसी गाइडलाइंस के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ दिस, नन ऑफ अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टर्म डिपोजिट। अब सवाल देखिए, क्या नॉट है, फीचर नहीं है वो, क्या चीज़ का नहीं है, तो टर्म डिपॉजिट का वो फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन है मिनिमम पीरियड है 7 दिन, कितना है मिनिमम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे 7 दिन, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे 10 साल, ठीक है। अब ये टैक्स डिडक्शन जो है एट सोर्स इज टू बी डन वेयर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन ₹10,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007। बोलता है 1 जून 2007 से अगर आपका पैसा का जो अमाउंट है 10,000 रुपये ज़्यादा होगा तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लगेगा। टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर, टर्म डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है नेम ऑफ अदर पर्सन कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। बोलते हैं नाम होता है किसी दूसरे इंसान का, आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिट के, जो डिपॉजिटर है उसके रिक्वेस्ट के ऊपर। अब पूछ रहे बताइए कौन कौन से ऑप्शन इसमें, या कौन सा ऑप्शन इसमें बोल सकते हैं फीचर नहीं है, यानी नॉट है, शब्द का ध्यान दीजिएगा। तो सही ऑप्शन है क्योंकि ये फीचर नहीं है, ठीक है, इससे सही ऑप्शन बी है। पर इसमें क्या क्या सही था कि मिनिमम पीरियड 7 दिन होते हैं, मैक्सिमम 10 साल होते हैं, बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता है टर्म डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ये भी बात सही है। फिर बोलते हैं जो नाम होता है दूसरे पर्सन का ऐड और डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे, ये भी बात सही है, ठीक है। तो कोई आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ऑप्शन गलत मतलब जो स्टेटमेंट था वो गलत था, इसलिए बी ऑप्शन को सही मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इन्वेस्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते जो रिसीवेबल्स है दूसरे तरह के लोन्स का, जो दूसरे तरह के लोन से जो रिसीवेबल्स मिला है और जो ऑब्लिगेशन है, एक साथ पुट करें और डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट इन्वेस्टर्स के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ होगा। ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेक्यूटाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफिटिंग। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सेक्यूटाइजेशन, सेक्यूटाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट्स क्रेडिट सेल्स द ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेज आर असाइंड बाय द सेलर इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। सच परचेज आर ऑफ रिसिवेबल बाय द थर्ड सेल थर्ड पार्टी विथ और विदाउट रिकॉर्ड इज कॉल्ड। बोलता है क्या होगा, बोलता है कि एक तरीके का कैश है जो कि आप ऑप्टेन कर रहे हैं, बोलते एक तरह का क्या कैश है जो आप क्रेडिट सेल्स के लिए आपको मिला है, जिसको कि डोमेस्टिक सेल्स के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि असाइन किया हुआ है, ठीक है, सेलर के द्वारा जो फेवर करता है थर्ड पार्टी को। इस तरह का जो परचेज रिसिवेबल होगा थर्ड पार्टी के द्वारा विथ या विदाउट रिकॉर्ड्स में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है सेक्यूटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफेटिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा फैक्टरिंग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टेली बैंकिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइड बाई बैंक थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सब कुछ सब ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, टेलिंग बैंकिंग की जो फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड कर रही है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है, तो क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड है वो। तो आप बोल सकते हैं ए ऑप्शन वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन ब्रिक एंड मोर्टर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन वर्चुअल बैंकिंग। नेचुरल से टेली बैंकिंग होता क्या, कोई बोलता है, बोलता है तो वॉइस प्रोसेसिंग हो गया, सीधा सा बात था इसमें, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ई कॉमर्स द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन ए मार्केट प्लेस टू। बोलता है जो ई कॉमर्स होता है वहाँ जो कंज्यूमर होता है वो क्या करेगा, फिजिकल स्टोर से मूव करेगा, कहाँ जाएगा भाई, तो ए ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस। बोले जो स्टोर होता है सेलर का जो बहुत दूर
वो स्टोर सेलर को लोकेटेड बहुत दूर है उसकी जगह से। बी ऑप्शन है स्टोर सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, यहाँ भी बोलते हैं स्टोर जो है सेलर का दूर लोकेटेड है। सी ऑप्शन है और स्टोर ऑफ द सेलर नियर द हाउस ऑफ द बायर, बोलते स्टोर होता है सेलर का जो घर के जो ग्राहक है उसके घर के नज़दीक है सेलर का स्टोर है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। तो क्या होना चाहिए इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा बी कि जो स्टोर है सेलर का लोकेटेड फार ऑफ प्लेस, ठीक है, दूर लोकेटेड स्टोर होने की वजह से आपका ई कॉमर्स में आप बोल सकते हैं कि आदमी मूव नहीं करना चाहता फिजिकल स्टोर में। क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इज, बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होगा? ए ऑप्शन एन बी सी प्लस एफ सी एल डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन एन बी सी प्लस इन्वेस्टमेंट्स इन नन एस एल आर बॉन्ड्स इन एस टी एम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्राइवेट सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर फुलफिलमेंट फॉर नन फुलफिलमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टारगेट। यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए आपकी समस्या? ठीक है, और सी ऑप्शन है एन बी सी माइनस इन्वेस्टमेंट एस एल आर बॉन्ड्स इन एस टी एम कैटेगरी, और डी ऑप्शन एन बी सी माइनस एफ सी एल आर डिपॉजिट। क्या होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को क्या बोलेंगे? एन बी एफ सी नेट बैंकिंग क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट इन नन एस एल आर बॉन्ड्स इन एस टी एम कैटेगरी, फिर हो जाएगा प्लस इन्वेस्टमेंट एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। एंड बी ऑप्शन सबसे परफेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल, बोलते इंडियन बैंक में हम इंक्लूड कर लें प्राइवेट बैंक को तो कौन सा टारगेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? ए ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट जो है 40% ऑफ एनबीसी, बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर लोन्स 18% ऑफ एनबीसी, सी ऑप्शन है व्हीकल सेक्शन 10% ऑफ एनबीसी, डी ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस 10% ऑफ एनबीसी। तो पूछ रहा है कि इंडियन बैंक में जब प्राइवेट बैंक इंक्लूड कर लिया है तो कौन सा टारगेट जो है वो नॉट एप्लीकेबल है? सब पे ध्यान दीजिए, नॉट एप्लीकेबल है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये जो बोल रहा है कि स्मॉल माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज 10% एनबीसी का है, ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं किया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। पर बाकी जगह टारगेट तो सेट किया है कि ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर क्या है 40% ऑफ एनबीसी है, फिर बी ऑप्शन क्या है कि एग्रीकल्चर लोन्स होगा 18% ऑफ एनबीसी है, व्हीकल सेक्शन में 10% ऑफ एनबीसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन डेट कुड बी सैंक्शन टू द बोरोर अंडर रिटेल ट्रेड इन प्राइवेटरी सेक्टर, बोलते हैं मैक्सिमम क्या लोन अमाउंट हो सकता है जो बोरोर को दिया जा सकता है रिटेल ट्रेड में प्राइवेटरी सेक्टर पे? ए ऑप्शन है रुपीज 3 लाख, बी ऑप्शन 5 लाख, सी ऑप्शन 10 लाख, डी ऑप्शन 20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नो सीलिंग फॉर अदर कम्युनिटीज। जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी रुपीज 10 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन आप सेंक्शन कर सकते हैं बोरोर को रिटेल ट्रेड में प्राइवेटरी सेक्टर में वो है 10 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, नेट बैंकिंग नेटवर्किंग कैपिटल स्ट्रेंथ, बोलते नेटवर्किंग कैपिटल स्ट्रेंथ किसके लिए करता है? ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, बी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सी हो जाएगा। नेटवर्किंग कैपिटल जो होता है वो क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा नेटवर्किंग कैपिटल में, नेटवर्किंग कैपिटल में हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, सॉरी इसको बताइए, ठीक है डी ऑप्शन, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स हो जाएगा नेटवर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो तुरंत का पैसा है जो लिक्विडिटी पैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे जैविक आप देखेंगे दो तरह के कोर्सेज है, एक जैविक कंप्यूटर बेस्ड मतलब सॉरी पीपीटी कोर्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब तो होता है कि कंप्यूटर पे जैसे भी आप जो वीडियो देख रहे हैं क्या कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, इस तरह की वीडियो रहेगी। फेस टू फेस वीडियो कोर्स सबसे बढ़िया कोर्स है, बेस्ट कोर्स है। ठीक है, और इसमें तो मान के चलिए कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर आप पक्का पास करने वाले हैं, पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, ये कोर्स नेचुरल सी बात है ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा सेलिंग का है, ज़्यादा पावरफुल है। दोनों कोर्स का कंपेरिजन करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, यहाँ 6000 क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है, और दोनों की जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है जब तक पेपर क्लियर नहीं होता है।
जीआईबी का पेपर का दाम है यहाँ पे 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 800 रुपये, यहाँ 1500 रुपये, लीगल का दाम है 600 रुपये, इधर दाम है 1200 रुपये, अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं इसका दाम है 1500 रुपये, इधर है 3000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seetsena123@gmail.com। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।